नमस्कार, मैं हूं निशांत और स्वागत है आपका राणा निशांत फोटोग्राफी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं भारत यात्रा केंद्र में। भारत यात्रा केंद्र गुड़गांव के बाहर भौंडसी गांव है, उसके पास में है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर का फार्म हाउस था। बताते हैं कि चंद्रशेखर जी को नेचर से बहुत प्यार था, तो उन्होंने इस जगह को जो है एक जंगल की तरह से तैयार किया था। यहाँ पे मकान है लेकिन बहुत दूर दूर हैं और बहुत छोटे छोटे हैं और फ़िलहाल सारे जो हैं खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे शहर के पास होने के बाद भी शहर की फील नहीं आएगी। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं, यहाँ पे जानवर हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे पूरा हरा भरा है और इसका जो एक साइड है उसके ऊपर अरावली हिल्स है। ये जगह वैसे तो पूरे साल ही जो है बर्ड्स के लिए, बर्ड्स की मूवमेंट के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो आते हैं इंडियन पिता के साइटिंग के लिए। इंडियन पिता समर माइग्रेंट है, तो समर के ड्यूरेशन में वो यहाँ पे आता है ब्रीडिंग के लिए, तो यहाँ पे लोग उसको देखने के लिए आते हैं। सबसे ईजी स्पॉट दिल्ली NCR में अगर इंडियन पिता के लिए है तो वो ये है, लेकिन मेरा आज यहाँ पर आने का कारण इंडियन पिता नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ इंडियन स्कोप्स आउल के लिए। तो पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे साइटिंग हो रही है इंडियन स्कोप्स आउल की, तो मैंने भी सोचा कि चलते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो नज़र आता है तो बने रहिए, दिखाते हैं। ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। मुझे लग रहा है कि शायद 3 या 4 मिनट से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे ठीक ऊपर इस पेड़ पे जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है उस पे 2 स्कोप्स आउल बैठे हैं, एक जुवेनाइल है और दूसरा अडल्ट है। और बारिश का मौसम है, बादल गरज रहे हैं और बूंदें गिर रही हैं, तो शायद मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा। तो इसके बाद आपको दिखेगी क्लिप्स जो कि स्कोप साउल की हैं और उसके बाद फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स के बाद मैं आपसे मिलता हूँ।
स्कोप साउल के बारे में आपको बताता हूँ कि ये जो स्कोप साउल आपने देखा है, इंडियन स्कोप साउल, ये स्कोप साउल में कुछ बड़े आउल्स में से एक है। एंडेमिक है इंडिया में, इंडिया में आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा। साउथ में थोड़ा कम मिलता है, साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में बड़े आराम से मिलता है। मेनली इंसेक्ट्स पे जो है ये इंसेक्ट्स खा के अपना गुजारा करता है और लीस्ट कंसर्न है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत आउल है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप कहीं भी जाएं, किसी सफारी पे, किसी नेचर पार्क में, कहीं भी, अपने साथ में लेके गई हुई वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक के रैपर्स, बिस्किट के रैपर्स प्लीज़ वापस लेके आएं, और सबसे नियरेस्ट डस्टबिन में डालें। इन सब चीज़ों को वहाँ ना छोड़ें, क्योंकि इनसे पॉल्यूशन फैलता है, नेचर ख़राब होता है। तो हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ब्रिंग योर गार्बेज बैग एंड थ्रो इट इन ए डस्टबिन, नॉट इन नेचर। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलती है, बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, गुड बैड वट एवर कम्स टू योर माइंड डू कमेंट, कमेंट बहुत ज़रूरी है, फीडबैक मिलता रहता है तो बंदा इम्प्रूव होता है। तो कमेंट करें, और उसी के साथ मैं अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, मिलते हैं फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में।